तो हेलो जी, सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो यार अभी हम क्या है कि नया अंडे लेकर आए, तो असल ने कहा कि मैं जो है हम अंडे पकाते हैं, तो अभी असल अंडे पका रहा है, अपने हाथों से अंडे पका कर हमें खिलाएगा और हम खाएंगे। और दूसरी बात, असल को ना यहाँ टांग में चोट लगी, थोड़ा दिखाओ जख्म है अंदरूनी चोट। अच्छा ये क्या, कल को ये बंदा क्रिकेट ज़्यादा खेल रहा है, तो कल इसको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा चोट लगी, तो उसकी वजह से जो इसकी टांग में दर्द है। खैर जो भी है, फिलहाल तो ये अंडे पकाए, जल्दी पका भाई हम। हाँ भाई गर्म गर्म हूँ। हाँ आज आप देर जाग नींद से उठे? नहीं, वो थोड़ा ड्रामा देख रहा था। ये आपने इधर क्या लगाया? ये इधर ये दर्द मलम लगाई। अच्छा इसको मलम लगाई है, चलो खैर। अब गैस को तो चलाओ, चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है, देखो। ठीक है ठीक है, ये दो अंडे लाए हो? हाँ लेकर हम दूसरे भी नहीं बस को मैंने अभी नया किधर जा रहे हो? असल गया हुआ है बाहर, थोड़ा जो है छुरी लेने अंडों को तोड़ेंगे उससे, तब छुरी लाए तो फिर अंडे तेल भी जब तक गर्म हो जाए तब तक ये अंडे पड़े हुए, तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें तेल डाल, इसके अंदर अंडे डाल कर अंडे फ्राई करेंगे। गैस तो बहुत स्लो इसने चलाया हुआ है। क्या हुआ भाई, छुरी आपको नहीं मिली क्या? नहीं यार पता नहीं, इधर देखो कहीं पर होगी। चलो इसी से तोड़ोगे अंडों को? चलो ठीक है, तेल गर्म हुआ नहीं? नहीं। चलो गैस को तेज कर दिया, नमक और मिर्च वगैरह भी तो लाओ ना, वो कहाँ से? अच्छा वो थोड़ा इसके अंदर वो काली मिर्च भी डालो ना, ये वो वैसे वो फ्राई करोगे या फिर वो प्याज वगैरह डाल? फ्राई करोगे? हाँ चलो सही, वैसे वो प्याज वगैरह नहीं डालेंगे। चलो सही, तेल गर्म हो रहा है अभी। चलो भाई ये तैयार रखा। क्या यार असद भाई, आपको तो अंडा पका नहीं दे जा रहा, हम मोड़ते हैं क्या लगा? हाँ नहीं ये बात, आप पकाओ ये, आप पकाना नहीं, मुझे नहीं पकाना था, आप पकाओ, मैं आपके हाथ के खाना चाहता हूँ। भाई क्या हाल कर दिया अंडे का, ये अंडा फ्राई लग रहा है? आप पकाओ, मुझे तो पका भी नहीं है ना, ना। छोड़ो पकाए, आप आगे जाके मैं पकाऊंगा, तो आप सही तरीके से पकाओ। मुझे नहीं आता है यार। नहीं आता तो फिर आपने कहा कि घर वालों से बनवा के? ये देखो भाई इसने अंडा फ्राई किया है। अच्छा भाई वेरी मतलब आए, इसको समझाओ, कमेंट करो, इसको समझाओ, वेरी मतलब उसको दलील मत करो। अभी ये दूसरा अंडा पकने जा रहा है, अल्लाह खैर करे ये अंडा अच्छे तरीके से पकाओ, ठीक है? अल्लाह करेगा ये सही से पकेगा। आप इसको अच्छे तरीके से पकने तो छोड़ो, फिर इसको उल्टाओ, वो अच्छे से। बड़े मियां बड़े मियां छोटे मियां, सुभान अल्लाह बोल रहे, उठो इसको पलटाओ, ये इसको जो है थोड़ा छोड़ो, नमक डालेंगे हम ऊपर से। ये अच्छा पका है भाई, माशाल्लाह से पहला खराब पकाया है लेकिन इसने जो दूसरा अच्छा पकाया है, खैर कुछ तो अच्छा किया आपने। और इसमें कोई मुश्किल के साथ आसान नहीं है? हाँ वो मुश्किल चली गई, अब ये आसान है, ये अच्छा है।
उस पिछले वाले से ये कुछ बेहतर बनाया है। हो गया उसका। रोटी भी पकाओगे? नहीं भाई, रोटी कल वाली, कल रात तक करियो। चलो ओ सुबह पकाई थी घर वालों। चलो सही है। चलो इसका वो काली मिर्च वगैरह लगाओगे? नहीं पहले चाय आनी हो। खैर अभी इसके ऊपर लगा दूँ। ठीक है इसके ऊपर लगा दूँ, मसला है क्या? पहले चाय तो सिंधी फोन पूछे। हो गया भाई? हाँ भाई अभी थोड़ा सुबह अभी असर नहीं दिए जो अंडे वगैरह पका लिए। अभी हम इन अंडों के काम तमाम करेंगे, इनको खाएंगे। दूसरे सुबह नाश्ता नहीं किया है। अभी जैसे इन अंडे लेकर आया, इसने कहा कि अंडे लाए हो तो क्यों ना अंडे लेकर आए पकाते। तो इसने दो अंडे लाए और अभी पकाए। सुबह पकाए थी इधर ही खाए हैं गमले में। चलकर सुबह पकाई। अच्छा रोटी गर्म करो। चलो जल्दी जल्दी लाओ। असद चला गया है, तुम आप लोग क्या गए थे, इसमें से कुछ टेस्ट कर ले। वैसे असद के सामने नहीं, असद के बाद में कह रहा हूँ कि वैसे असद ने बनाए सही है। अगर असद गया है तो आपने टेस्ट कर लिया, उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसने वीडियो देख ली तो फिर पता चलेगा। फिर क्या फ़ायदा, पता चले तो चले, तब तो खाना भी ख़त्म हो चुका होगा। फिर अभी आने वाला होगा रोटी लेने का है, तो अभी रोटी लेता हुआ आएगा। ये थोड़ा नीचे गिर जाइए ना, देख ले इसको ऊपर फेंक दे। ऐसे ना फिर कहे कि भाई आप मेरे पीठ पीछे आपने इसको ख़त्म कर दिया। अभी आ रहा है, आवाज़ आ रही है, ये लो आ गया, लेकर आए रोटी। मेरे ख्याल से हमें एक और लाना चाहिए। एक और अंडा लाओ, बस ये बहुत है मेरे ख्याल से। एक लाते हैं, मैं लेकर आता हूँ। लेकर आते हो, बस एक काफ़ी मेरे ख्याल से। तीनों ये फिर सारा आपके खाते में, मैं एक रुपया भी नहीं देता। मेरा जेब खाली है। सही है, चलो ये तो तीसरा अंडा लेकर जा रहा है। ये मतलब अच्छी अच्छा सा नाश्ता करवा रहे हैं। और अब जो मेरा पेट फुल हो गया, मेरे ख्याल से ये दो अंडे जो थे वो काफ़ी थे। लेकिन ये कह रहा है तो हम इसको ना नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुफ्त की शराब काजी को भी लाल होती है। तो वही है, जब ये ला रहा है तो लाए, हम खाएंगे। जब तक बोला है हम जो है यहाँ पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं उसके आने का। वो आएगा और ये जो पकाएगा। आए मैं भी उसके इंतजार में बैठा हूँ, तीसरा अंडा लेने गया है। जब तक तीसरा लेकर आए, तीनों मिला कर एकदम जम से खाएंगे। फिर वो डायरेक्ट दोपहर को खाना खाएंगे। अभी बस तीसरा लाए, तीसरा पकाएगा और रोटी कल रात लेकर खाएगा। ये लो आ गया। आना भाई पका पका, जल्दी से रोटी पका चुका होती है ना। रोटी तो पकी हुई है, बस इसको गरम, इसके ऊपर गरम करो। ठीक आती है ना, इसमें कौन सी बड़ी अरबी। चलो खैर मैं कर लूँगा। चलो ये अंडा मैं पका रहा हूँ, रोटी आप गरम करो। ठीक है भाई, थोड़ा मैं भी तो ट्राई करूँ। खराब पकाया तुम, इसको चलाओ कैसे चलाना भी नहीं आता है। इधर से घूमता है उधर से। चलो उधर लगाओ वो माचिस लगाओ। खुला हुआ है? हाँ। अब मैं ऐसा पका के दिखाऊंगा। हाँ देख रहे हैं, काबिल नहीं होगा। इसको थोड़ा फुल करो ना। हाँ ऐसे फुल करो, काफी इतना। ये अभी जब गर्म हो ना, ये अभी नहीं तोड़ो, फिर नहीं तोड़ो भाई। अभी से डाल दो इसको। नहीं भाई क्यों, गर्म होगा फिर ये भी पकता जाएगा। उसको पहले गर्म होने दो तो जल्दी पकेगा ना। चलो सही है, घड़ी भी करना। तो अभी जो है थोड़ा तेल गर्म हो जाए, क्योंकि अभी हमने वो पकाए थे, तेल को उतार दिया, फिर से ठंडा हो गया। अब तेल गर्म हो जाए तो ये जो एक तीसरा अंडा लाएंगे मैं पकाऊंगा, एक तीसरा अंडा। ये अभी ये गर्म हो जाए, देखेंगे स्पीड चले। ये इसको नहीं तो थोड़ा स्पीड करो, फिर जल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गर्म हो तो फिर एक डालो तो फिर इसको थोड़ा कम करो।
एक डालो कम करो, वो जल जाएगा। कम कम ऐसे घूमो या फिर इधर से घूमो? इस साइड, इस साइड, इस साइड घूमो, इस साइड। हाँ चलो सही है, जैसे इसके अंदर डालना सही। अब तुमने भी पकाया ना, मैं भी पका रहा हूँ, मेरा देखो कैसे, ये मैं फर्स्ट बार पका रहा हूँ। हाँ देखने के काबिल नहीं होगा इंशाल्लाह, आपसे तो अच्छे होंगे, वो भी पड़े हुए हैं, लग रहा है वो ऐसे लग रहा है कीमा पकाया है इसने। है सही है, लेकिन ये जो उससे भी आला होगा, आला किस्म का आला। ये तो गर्म हो भी नहीं रहा है। आप छोड़ो गरम हो, आप छोड़ भी नहीं रहे हो। गैस देखो, नीचे से गैस देखो, बस देखो गैस को फुल करूँ। कम में तो फुल कर दो, बस अभी गरम हो रहा है, क्या फुल करूँ इसको, यहाँ से इसे तोड़ो। अभी नहीं बाद में, अभी नहीं, अभी को तो भाई रोटी फिर आप गरम करो, ठीक है? सही है, ठीक है। वैसे आती है आपको रोटी गर्म करना? थोड़ा बहुत आती है, रोटी गर्म करना भी नहीं आती है? आती है, रोटी गर्म करना आती है, पकाना नहीं आती, पकाना भी आती है थोड़ी बहुत। ये इसकी रूटीन है, स्कूल से वापस आएगा, खा पी के सो जाएगा, फिर वापस फिर रात की रोटी वोटी खाएगा, फिर सो जाएगा। ये तो भाई घंटा लेगा गर्म होने में, इसके साथ क्या करना। ये इसे इसको फुल कर दो, ये देखो फुल हो गया, हो गया। इतना फुल करे वैसे ना घर वाले तो घर से निकाल देंगे, एक दिन में सारा गैस खत्म। नहीं भाई नहीं, क्यों अभी गर्म हो रहा है। जा डालो डालो, एक मिनट पहले इसको, एक मिनट गर्म तो नहीं हुआ है, छोड़ो तो हाथ लगा कर देखो गर्म हुआ है कि नहीं। ये तो वो जल रहा है, ये गर्म हो जाए, अभी तक ठंडा पड़ा है। आप काली मिर्च भी लाओगे? ये काली मिर्च है, चलो सही है, सही है। एक मिनट छोड़ो, इसको मिक्स तो कर लेना इनके ऊपर, एक मिनट इसको हटाओ, इनके ऊपर डाल दो। जी जी बस इतना नहीं डालो, थोड़ा लग गया तो सही, वो बस वो इतना। इसमें डालो, अब गर्म हो चुका है देख, एक मिनट गैस को हम कम करेंगे क्योंकि जल ना जाए। ये कम करेंगे हम गैस को, बस इतना तो काफी, बस बहुत है। तो पत्ते को बाद मां बेचारे ये देखो, अभी इसका देखें, ये तो खुल भी नहीं रहा, मुझसे खुल रहा था। ये देखो भाई ये क्या पकाया है अभी, सही जगह भाई। ये कर ले, मुंडी भाई पहन लिया, इन्हीं के हम इन्हीं के जरूर अदर अदर करो भाई। हाँ भाई तो सही सही है, इतनी सही है, सही है। इसके ऊपर नमक डालो, नमक डालो। हाँ देखा चलो, नमक डाल रहा है भाई जान हमारा, बस बहुत काली मिर्च डालो, काली मिर्च ऊपर से, हाँ ऊपर से साइडों से भी डालो, हम आपको सिखाएं ये भी, बस बहुत है। छोड़ो इसको, थोड़ा पक्के तो सही, सही है। इसको अंदर से वो करो जैसे चिपक ना जाए, हाँ ऐसे तेल ऊपर से लगाओ, अभी अभी वो उस साइड करो, पलटाओ। हाँ बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन, किस तरह बनता है देखो आप, इधर करो दिखाओ, बेहतरीन बेहतरीन। थोड़ी डालो बस, बस बहुत है, बस नमक नहीं डालो, थोड़ा थोड़ा, पागल हो गया। सही है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, अंदर से मेरे ख्याल से नहीं पका रहा, ये सही होता है ना। अच्छा ऐसे ही, ये देखो इधर आए अंदर से,
अभी निकालो उसमें, अब निकालो निकालो भाई, पलटाओ पलटाओ जल्दी करो, बस ये वो सही है ना, निकालो बस ये वो भाई जला दिया है, देखो जला दिया तो भाई ये देखो, ये असद ने पकाया और ये मैंने पकाया, इन दोनों में से आप बताओ कि जो है असद ने अच्छा बना है या मैंने, ये भाई देखो ये वाला मेरा अच्छा बना है, असद दूसरे से बनाता था, असद पहले से बनाता था लेकिन मैं पहली बार बनाया, वो मेरा बनाया वो ये असद का ये, तो आप लोग मैं बताऊं, ये देखें आप, ये जो है ना ऊपर से काली में लगी हुई, ये वाला एक देखें, ये मेरा कुछ अच्छा बना है, ये इसने जो है ये इसने काली में से बाद में लगाए, मैंने पकाने के दौरान लगाया, मैं भूल गया था, भूल गया तो फिर आप पकाने का फायदा क्या, चलो चल, रोटी गर्म कर लेते हैं, चलो रोटी गर्म करो, शाबाश, चलो ऐसे ही तवा नहीं रखोगे इसके ऊपर, बस भाई खैर गरम हो जाए, ऐसे जल नहीं जाएगी, नहीं भाई ये जला दिया आपने, नहीं ओ नहीं ये आज जल रहा है, रोटी तो नहीं जलेगी, रोटी हो रही है, अच्छा कड़क हो रही फिर सही है, ये तो इसको बीच से तुमने गरम किया है आप, ये साइड से अभी हो रही है ना, हाँ। दिखाओ इधर, ये गरम हो गई जल्दी, हाँ जल्दी है भाई, आपके हाथ के जो है नाश्ता करने की मुझे बहुत जल्दी हो रही है, आपके हाथ का नाश्ता, आप पहले अपने हाथ की मुझे चाय भी पिलाते थे, आप अपने हाथ की चाय नहीं पिलाते आजकल हमें, अगले इतवार को फिर आपके हाथ की चाय पियेंगे, ठीक है, और दूसरी बात जो है भाइयों आप लोग बताओ कि घर के हाथ की चाय से जो है बेहतर मुझे इसके हाथ की चाय लगती है, क्योंकि ये बंदा ऐसा लग गया ऐसा धमाकेदार चाय बनाता है, मतलब उसने जो पानी डालता ही नहीं सीधा दूध की चाय बनाता है, और ऐसे कि आप पियोगे आप मैं कह रहा हूँ कि पूरा दीवाने हो जाओगे, नहीं आप एक कप पियोगे आप कहोगे कि ये जो ऊपर पड़ा हुआ है डेगड़ा, आप कहोगे ऐसा बना कर दो वो सारे पियेंगे, मतलब ऐसी चाय बनाता है, और मैं इसकी ड्यूटी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप समझो कि ये सामने खड़ा है इसकी ड्यूटी तारीफ कर रहा है, मैं सच्ची तारीफ कर रहा हूँ, वरना ड्यूटी तारीफ करना होती तो मैं इसके अंडों की भी तारीफ ड्यूटी करता, लेकिन इसने अंडे है इसको बनाने नहीं आते, अंडे इससे मैं अच्छे बनाता हूँ, भाई हाँ भाई अभी आपके सामने, लेकिन आप मेरे खासियत है चाय अच्छी बनाते हो, आप तो रोटी भी अच्छी खिलाएंगे कभी आओ, तो आपको जो है मैं नेक्स्ट संडे को आपके हाथ की चाय पीऊंगा दोबारा से, बहुत महीने हो गए हैं जब हमारे घर वाले सारे शादी पर गए थे, आपने इस बावर्ची खाने में मुझे चाय बनाकर पिलाई थी, याद है आपको दोपहर के टाइम, वो अभी तक मुझे याद है, वो एक कावा कप, एक कप कावा बनाया था और एक कप दूध वाली, याद है ना आपको, आज फिर से मुझे जो है ना वो दिन याद आ रहे हैं, फिर कभी घर खाली हो जाए याद आए, फिर जब घर खाली रहे फिर ऐसी पार्टी वगैरह फिर से करेंगे, चाय वगैरह करेंगे, समोसे वगैरह भी लाएंगे, ठीक है बिल्कुल, नेक्स्ट संडे को मैं आपके यहाँ की चाय जरूर पीऊंगा, हाँ भाई सही है, सही आप लोग भी सारे सुन रहे हो, वरना आप जो पीनी है जल्दी से कमेंट करें, आप बना के पिलाएंगे, आप लोग देख रहे हो ठीक है, ये मेरा कि अगले संडे को मैं आपको पिलाऊंगा, क्योंकि इसको जो है बदलने में देर नहीं लगती है, फिर कल को कहेगा कि नहीं मैं नहीं पिलाऊंगा दूध आप लेकर जो फिर बना के पिलाऊंगा, नहीं वो मसला नहीं, दूध आप ही लाओगे हर चीज में, चलो दूध आप लाओ, क्या याद करके चाय पत्ती और चीनी मैं दूंगा आपको, सही है चलो सही है, हाल तो ये गर्म हो गई नहीं, हाँ एक हो गई है, चलो तेज गर्म तक खाने में मजा भी आए, कड़क हो चुकी है, इसको थोड़ा कड़क कर देते ताकि मजा आए खाने,
और भाई एक अच्छी खबर दूं, मैंने एक दो दिन हुए वाक भी शुरू की है मैं। अच्छा मॉर्निंग वाक शुरू की है? हाँ भाई। हाँ यार मैं वैसे मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं मॉर्निंग वाक स्टार्ट करूं क्योंकि मेरा वजन एकदम से बढ़ गया है और माशाल्लाह से आपका वजन भी बढ़ गया है। ये देख रहे हैं ये छोड़ो भाई ये देख रहे इसका कैसा पेट बढ़ गया है। अच्छा लगा नहीं भाई मैं नहीं लगाऊंगा। अच्छा मॉर्निंग वॉक पे डेली जाते हो? हाँ भाई। तो फिर यार मुझे भी मैंने आपको बोला तो था आप देना संडे को तैयार हो चुका है। अभी हम जो इस नाश्ते को खत्म करेंगे सामान समेट सामान समेट लो फिर जाकर कमरे में इत्मीनान से हम खाएंगे। और ये रुको जरा इसमें पानी नहीं है इसमें पानी नहीं है ये नहीं है भाई वो टैंक में पानी नहीं है। चलो सही है सामान को एक जगह पर रख के डांट पड़ेगी हमें वरना। हाँ ये भी है। चलो चले चलो अभी हम जा रहे हैं अंडों का काम तमाम करने। ये अंडे हैं अभी हम इनको नाश्ता इसने तैयार किया है अब देखते हैं कि इसके आप चाय तो पिए अब नाश्ता हम करके देखते हैं कि नाश्ता ये कैसा बनना चाहते हैं। ओ भाई इधर नहीं खाओ ये क्या फजीलत है आपकी। चलो 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 भाई हम जो है ना हम कमरे में नाश्ता नहीं करेंगे क्योंकि आज सुबह से जो है एकदम सुबह से नहीं भाई रात से। अच्छा नहीं रात से तो मैं रात जल्दी सो गया ना तो आज सुबह जैसे ही मैं उठा एकदम वीआईपी हवा चल रही थी तो अभी भी एकदम हवा चल रही तो हम जो है इस मौसम को एंजॉय करते हुए नाश्ता करेंगे और तो इसलिए जो है हमने कमरे में नाश्ता नहीं किया इधर छत पर आ चुके हैं ये छत पर आ चुके हैं छत पर जरा सी हवा भी खाएंगे खुशगवार हवा और खाना भी खाएंगे एकदम बहुत ही मज़ा आएगा और हम जो है सादगी से नीचे बैठ कर खाएंगे। आप चाय पी लो मैंने जो है चाय पी ली है सुबह सवेरे ही जैसे ही मैं बाजार से आया। दूसरी बात जो है इस बंदे की आदत है कि ये जो है ठंडी चाय पीता है हमेशा से ठंडी चाय पीता है अभी भी ये नहीं मैंने खा लिया है इसके बगैर नहीं मैंने पी लिया है आप कह रहे तो इतना तो एक ले ही लेते हैं इतनी ठंडी गला मच्छी नहीं लगती मुंह जलाती है क्या? डॉक्टर से बोलते हैं ठंडी चाय पियो। अच्छा लेकिन भाई मुझे तो जो है ना मालूम चाय एकदम अच्छी लगती है। भाई ये आपने चाय पिया शरबत पिया है कि घोंट में सारी चाय निकल ली ठंडी थी। चलो आप खाना शुरू करें। तो अभी जो है हमने नाश्ता वगैरह एकदम कर लिया है पेट भर के और जो है मेरे कज़न का हाथ के नाश्ते में कज़न के हाथ की चाय में मज़ा है वैसे ही सेम टू सेम जो है इसके नाश्ते में ही मज़ा है। खैर खा कर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने जो है इस खुली फिज़ा में नाश्ता करके बहुत ही अच्छा लगा हमें अब पेट वगैरह भर गया है। और तो भाई आपको जो है कैसा लगा आपके खुद के हाथ का खाना खा बहुत ही अच्छा था खुद की तारीफ तो करनी नहीं चाहिए अच्छा था। अच्छा। आप बताओ ना आपको कैसा लगा मैंने तो आपके लिए बना मुझे तो एकदम अच्छा लगा है अच्छा ठीक है वैसे दिखने में जो है ना आपने पकाया तो इधर उधर हो गया वैसे खराब है लेकिन टेस्ट में जो है वाकई में बहुत अच्छा था। खैर जो भी हुआ कज़न के हाथ का खाना खाकर एकदम मज़ा आ गया तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पर जो है हम कज़न के हाथ की चाय पियेंगे। तो अभी इस व्लॉग को जो है हम यहीं पर एंड करते हैं फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। और अगले संडे को जो है ये मुझे चाय पिलाएगा इसने खुद कहा है
क्योंकि हाँ इसको हाँ। ये बदल जाता है मिनट में, ठीक है, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। हाँ भाई पिलाएंगे आपको, आपको भरोसा ही नहीं रहा है। नहीं भाई आप मिनट में बदल जाते हो ना, इसलिए आपको पिलाएंगे, पिलाएंगे। चलो चलो ठीक है भाई, इसने कह दिया पिलाएंगे, तो नेक्स्ट संडे को हम इंतजार करते हैं इसकी चाय का। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।